आज मैं बनाऊंगी ओल यानी सूरन की सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से। सूरन को मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। उसके बाद मैंने सूरन को इस तरह से काट लूंगी। इसको काटने छीलने से हाथ में खुजली होती है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया। हाथ में सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। तब तक मैं मसाला तैयार कर लूंगी। मसाले के लिए मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च ले लिया और उसको मिक्सी में पीस लेंगे और मैं 6 प्याज ले लिया और इसको अच्छे से धो लूंगी। और 2 प्याज को पीस लूंगी और 4 प्याज को काट लूंगी। उसके बाद सब्जी को पानी में से अच्छे से धो के निकाल लूंगी और उसमें डाल दूंगी थोड़े से हल्दी, थोड़े से नमक और थोड़े से अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से नींबू भी निचोड़ दूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। नींबू डालने से सब्जी का जो खुजली होती है वो अच्छे से खत्म हो जाती है। और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल भी मिला दूंगी। अब मैं पैन में तेल डाल के गरम कर लूंगी। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम सब्जी डाल देंगे। सब्जी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे ढक्कन डाल के पका लेंगे। थोड़ा सा उलट पलट करके भी पका लेंगे जिससे अच्छी तरह से दोनों साइड पक जाए। इस तरह से फ्राई कर लेंगे और ये सॉफ्ट भी हो गई है तो हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसी तेल में तेज पत्ता, जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी। और प्याज डाल के प्याज को अच्छे से भून लूंगी। प्याज हमारी इस तरह से भुन गई है तो इसमें मैं डाल दूंगी पीसी हुई प्याज और प्याज को थोड़े से भून लूंगी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी, थोड़े से हल्दी डाल दूंगी और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। लाल मिर्च मैंने थोड़े से ही डाला है क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने मसाले में पीस लिया था। मसाला थोड़े से भुन जाएगी तो इसमें मैं पानी थोड़ा सा डाल के मिला लूंगी और उसमें मैं सब्जी डाल दूंगी। और यहीं पे मैं नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से और इसे अच्छे से भून लूंगी। अब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है तो इसमें पानी डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से डालेंगे जितना हमें ग्रेवी रखनी है। और इसमें थोड़े से नींबू निचोड़ देंगे
और 5 मिनट ढक्कन डाल के पका लेंगे। अब हमारी सब्जी लगभग बन गई है तो उसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर और थोड़े से जीरा पाउडर और थोड़े से गरम मसाला पाउडर। मैंने मीट मसाला पाउडर डाल लिया। इसके बाद हम सब्जी को 5-7 सेकंड और पका लेंगे। हमारी सब्जी अब बन गई है और इसकी कलर भी बहुत अच्छी आई है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। सूरन की सब्जी को रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है।